मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी से किसी को पसंद करे और शादी करे। बशरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तुम्हारे साथ प्ले कर रहा है। तुम भी इस तरह रिएक्शन देने के बजाय उसके साथ भी जाके ऐसे ही माइंड गेम्स खेलो। तुम्हें खुद कोई काम नहीं है ऑफिस में क्या? आयरा, मैं भी काम ही कर रहा होता हूँ यार, आई मीन कम ऑन। हाँ ऑफ कोर्स, और मुझे भी किसी ने यहाँ रखा हुआ काम के लिए। उसने मुझे चैलेंज किया है डैड, मैं शादी करूंगी भी और उसे निभा के भी दिखाऊंगी, और इस बार मुझे डिवोर्स नहीं होगी डैड, आई प्रॉमिस। कोई नहीं निभाएगा उसके साथ रिश्ता। वो बशरा जाफर जितनी दफा शादी करेगी उसे उतनी दफा तलाक होगा, और जो भी मुबशरा को जानता है उसको मालूम होगा कि ये किसी अजाब से कम नहीं। वो एक बहुत खुद बसर, खुद सर और पागल होता है। उसके साथ कोई भी शख्स को ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी शख्स को ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी शख्स को ज्यादा नहीं कर सकता। अब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो उसका यही मतलब है ना कि बात नहीं करना चाहती हूँ? समझ में नहीं आ रही है बात? नहीं समझा, प्लीज समझाओ ना। एक्सक्यूज मी, नहीं तो था जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानता था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे मिजाज, तुम्हारे मूड स्विंग और तुम्हारे रिएक्शन। उमेर, भला मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जान सकता है? उमेर, तुम ये लोकल नंबर से कैसे बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? पाकिस्तान में हो क्या? हाँ, मैं भी पाकिस्तान आया। तुम पाकिस्तान आए हो और अभी तक आके मुझसे नहीं मिले हो? तुम जानते हो ना कितनी पागल हूँ, जान से मार दूंगी तुम्हें, फौरन आके मिलो मुझसे। Just let me know when. I'll see you, bye. God. तुम भी ना बिल्कुल वैसे के वैसे हो, नकचड़ी, वही गुस्सा। ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद मैंने खुद को बहुत चेंज किया था, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ भी किए थे। Like seriously, are you kidding? Okay, I'm kidding. But on a serious note, मुझे तुम्हारी डिवोर्स का US में ही पता लग गया था, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें जानबूझ के कॉल नहीं किया, और अब भी मैं तुम्हारी शादी या डिवोर्स डिस्कस करने नहीं आया। हाँ, इतनी एडवाइस ज़रूर दूंगा, अब तुम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो। तुम्हें क्या लगता है मैं उस लूजर के लिए अपनी पूरी जिंदगी को फुल स्टॉप लगा लूंगी? खैर तुम बताओ, हाउ इज योर मैरिड लाइफ? मैं भी मूव ऑन कर गया। व्हाट, डिवोर्स हो गई? कब? 1.5 साल हो गए। सो सॉरी यार, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। देखो मुबशरा, मियाँ बीवी के दरमियान मसले कमरे में ही सेटल होने चाहिए। हमें लगा कि हम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो हमने खामोशी से डिसीजन ली और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। ऐसे मसले मसाइल डिग्निटी के साथ भी सॉल्व किए जा सकते हैं मुबशरा। USA में ऐसा होता होगा, यहाँ पर तो रिश्ता ख़त्म करने के लिए सबके सामने तमाशा लगाना पड़ता है, आपके ऊपर स्टैंप लगती है डिवोर्स। यू राइट अबाउट दैट, हम एक तमाशबीन कौन है, लोगों का तमाशा बनाना और देखना हमें अच्छा लगता है। बोलो। क्या? आई एम हियर। क्यों? मैं तो नहीं मिल सकती, मैं बिजी हूँ। क्या? तुमने तो कहा था आने के लिए। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आधे घंटे के अंदर अंदर मिलो मुझसे। हाँ तो आधे घंटे के अंदर ही आया हूँ यार। जी नहीं,
पूरे 3 मिनट लेट हो तुम। अच्छा चलो अब आ जाओ, कुछ नहीं होता। मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, नहीं मिल सकती हूँ। बाय। आयरा शादी के लिए स्टेटस, बैकग्राउंड, फैमिली कंपैटिबिलिटी सब कुछ बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हारा स्पाउस तुम्हारी फैमिली से मैच ना कर पाए या तुम्हारे स्टेटस को मैच ना कर पाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली एंड रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है, तलाक। ठीक कह रहे हो तुम। इस बार मैं अपने ही किसी लेवल के लड़के से शादी करूंगी। एक्सक्यूज मी, तुम अभी से ही दूसरी शादी का सोच रहे हो? I mean, are you serious? Yes, I am serious. वरना मुझको स्टैंप लग जाएगी उसकी कि मेरे साथ 2 दिन कोई गुजारा नहीं कर सकता। मैं शादी करूंगी भी और निभा कर भी दिखाऊंगी। वो सही है, लेकिन कोई ऐसा फैसला ना कर लेना जो तुम्हारे लिए बाद में मुश्किल साबित हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे जानता हूँ, मेरे मिजाज को जानता हूँ, और उसे हाई सोसाइटी में उठना बैठना आता। चलो अच्छा है कि तुम एटलीस्ट मूव ऑन करने का सोच रही हो। वैसे भी तुम देखना, जैसे ही तुम अनाउंस कर लो ना दैट यू आर रेडी टू रीमैरी, 100 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, चार्मिंग एंड वेल ड्रेस्ड वुमन आई हैव एवर नोन। थैंक यू। हेलो, कहाँ हो तुम? बस अभी निकला। क्यों? तुमने ही तो कहा था जाओ। मैंने कहा और तुमने मान लिया, तो और क्या करता? बंदा इंतजार कर लेता है, एक तो कॉल्स कर लेते हैं, थोड़ा इशारा कर लेते हैं। एनीवेज मैं कल से तुम्हारे घर आने का सोच रहा। तो आए क्यों नहीं? तुम्हारा अपना घर है यार, सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत थी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे अपने घर से खाली हाथ लौटा दोगे तो शायद मुझे अच्छा ना लगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हो। रियान के बारे में क्या सोच? के बारे में क्या मतलब? मेरा मतलब है उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालो ताकि तुम्हें भी आराम करने का मौका मिले। यही तो प्रॉब्लम है यार, ना ही वो बिजनेस करना चाहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किस्म की लेने के लिए तैयार ही नहीं। What can I do about that? मर्द जिम्मेदारी उठाता ही तब है जब उसकी शादी होती है। You and I have been through the same. हाँ। जफर, एक्चुअली मुझे रियान कश्माला के लिए पसंद है, बल्कि कश्माला को भी रियान पसंद है। इस रिश्ते के बारे में what do you think? यार एकदम ही तुमने इतना बड़ा सवाल मुझसे कर दिया। Nevertheless, you have the right to refuse. And trust me, तुम्हारे किसी भी डिसीजन से हमारे पर्सनल या बिजनेस रिलेशन इम्पैक्ट नहीं हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तुम चाहो तो मेरे लाख डलने के बावजूद मुझे खाली हाथ लौटा सको। We are friends, मेरे दोस्त। Of course, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। कश्माला से बेहतर रेहान के लिए और कौन हो सकती है? And I would love to have her as my बहू। Gentlemen's hand. Yes. Thank you.
What? आप मजाक कर रहे हैं ना? Are you kidding me, right? I am not kidding. I am damn serious. And I want you to be serious about your life. अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो. देखो बेटा, कश्माला से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं. हमारी टक्कर का खानदान है. तुम दोनों इकट्ठे बड़े हुए. She knows all your flaws. Flaws, Dad. I'm Rehan Jafar. I'm goddamn perfect. Nobody is perfect, my son. So she knows your flaws and yet she likes you. मेरा ख्याल रखती है, तुम्हारी बहन का बहुत ख्याल रखती है. It's a win-win situation. देखो, I know कि तुम लाओबाली हो, लेकिन you are not stupid. That I know. मोहिब और मुबशरा का क्या हुआ था? वो हमारे खानदान में नहीं एडजस्ट हो सका. मुबशरा को छोड़कर चला गया. Dad, I dare you to say this in front of मुबशरा, please. I am damn serious. Trust me, Dad. I just can't be serious. जहाँ शादी का जिक्र आता है, मेरे से सीरियस नहीं हुआ जाता. And these words like relationships, commitment, they all just haunt me, Dad. They all just haunt me. And फिर घर में जब एग्जाम्पल्स हुए डैड, तो मैं क्या करूँ? मुझे बताया. What do you mean by that? Come on, Dad. You know what I'm trying to say. You know that. मॉम ने आपको छोड़ा, फिर उसके बाद मोहिब ने जो मुबशरा के साथ किया है, और भी ये वक्त वक्त की लड़ाइयाँ, झगड़े, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, I just can't tolerate all this. I just want to live my life on my own terms, Dad. देखो, अगर तुम्हारी माँ और मेरी शादी नहीं चल सकी, मोहिब और मुबशरा की शादी नहीं चल सकी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी शादी भी नहीं चल सकेगी. One day you have to face it, my son. One day you have to face it. All right. I will think about it. Think about it. शादी वहीं पे होगी जिस दिन मैंने कहा है. किसकी शादी की बात हो रही है? Oh, welcome, my dear sister. Welcome. मेरी शादी की बात हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहना है. नो डैड, मैंने आपको अपनी शादी के लिए कहा था और आप इसकी शादी की बातें कर रहे हैं. लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन घर में बैठी है और ये छोटे भाई की शादी हो रही है. Why are you so cute, Mubashra? Why? मतलब के अगर अगले 2 साल तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं क्या करूं? बोलो. खुदकुशी कर लेना, क्योंकि अगर मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो गई ना, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी. एंड आई मीन इट. डैड, इस घर में अगर सबसे पहले किसी की शादी होगी तो वो मेरी होगी. ठीक है, लेकिन बैठो. और इसकी शादी की अगर आपको इतनी परवाह है ना, तो मेरे लिए रजिस्टर्ड होने पहले. ओहो, रिलैक्स रिलैक्स. डैड, यस, आई एम कन्विंस्ड. Rest is your problem. Bye. इधर आओ, इधर आओ. मुबशरा, come here, please. एक दफा यहाँ बोलो, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी. Oh, oh, come here and talk to me. इधर आओ, बैठो मेरे पास. Dad. हाँ. अगर आप मेरी responsibility नहीं उठा सकते हैं ना, तो आप मुझे बता दें. मैं खुद इंतजाम कर सकती हूँ. Oh, oh, बैठो तो सही. तुम्हारी शादी सबसे पहले करेंगे. I promise you that. मैं तो उसको समझा रहा था, उसकी responsibilities बता रहा था. जाहिर है कि उसने एक family को स्टार्ट करना है. He was news going to go into business and he has to start his own life. उसके लिए इतना कंसर्न होने के बजाय मेरे बारे में सोचें. आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ. वो तो तुम हो बेटा. बैठो तो सही. Come here, come sit down with me. Let's talk. ना मेरा मूड स्पॉइल करती. आजकल मेरी बेटी कहाँ होती है? कल भी मैं वेट करते हुए सो गया, फिर पता लगा तुम 1 बजे आई हो. आज भी सारा दिन तुमको नहीं देखा. उमेर के साथ गई थी लंच पे. उमेर कौन? वो क्लास फेलो था ना, उमेर अजार वाला. बाय द वे डैड, जब रिश्ते के लिए जाना हो तो मुझे बता देना. गेट लॉस्ट. आई एम विद माय फ्रेंड्स. मैं तुम्हें जाओ यहां से. आई हेट यू बट आई लव यू. डैड समझाऊंगा. मुबशरा तुम इधर आओ ना. डैड, आप प्लीज मुबशरा करते ना करें.
उसको कुछ नहीं कहते आप। कहाँ जा रहे हो? घर। तुम कितना बदल गए हो। वे? क्यों? मेरा तो मूड था डिनर पे जाने का। अगर ऐसी ऑफिस से उठा के मुझे बस घर पे ड्रॉप करना था तो मैं खुद ही ना आ जाती। अरे तुमने ही तो कहा कि घर जाना है। हाँ तो मैंने कहा और तुमने मान लिया। इंसान कन्विंस करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, लेकिन ओके 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 माय बैड। अब कहाँ जा रही हो? डिनर पे, तुमने ही तो कहा। घर जाने मुझे, मेरी गली पीछे रह गई है। चलो आयरा, तू क्या चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिनर पे जाना है, घर जाना है, बड़ी मोट। मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को होते हैं मूड स्विंग्स, मुझे भी हो रहे हैं इस वक्त। वैसे सुबह से तुम्हें मैं इरिटेट कर रही हूँ, तंग कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वजह? कौन सी लव? अरे वाह भाई, माशाल्लाह, ये तो जॉब कंफर्मेशन लेटर है। ऐसा बुरा वो क्यों बनाया हुआ तुमने? मैं समझा कि टर्मिनेशन लेटर। आओ भाई आओ, मुबारक दो अपनी नंद को, 3 महीने की मेहनत के बाद इसे जॉब मिल गई है। अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू भाभी, आए मेरे पास बैठे। बोलो। ये पैसे हैं किस चीज के लिए? सैलरी मिली है मुझे। अच्छा, तो तुम ये बताना चाहती हो कि अब तुम कमाने लगी हो? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका मुझ पर हक है। आयरा, तुम पर हमारा हक भी है और तुम हमारा फर्ज भी हो। जॉब करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि तुम घर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करो। जॉब तो मैंने तुम्हें इसलिए करने दी थी क्योंकि तुम्हारा शौक था, इसलिए नहीं कि तुम घर का खर्चा उठा। और इस तरह पैसे देकर मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश ना करो। अगर अम्मी जिंदा होती ना, तब भी मैं ऐसे ही करती, तनख्वाह लाके भाभी के हाथ में रखती। भाभी ने ना सिर्फ मेरा बहनों की तरह बल्कि एक माँ की तरह भी ख्याल रखा है हमेशा। इसलिए भाई प्लीज, इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और भाभी का मामला है। और कमाने का मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी फरमाइशें खत्म हो गई हैं। सारी फरमाइशें आपसे करूंगी, सारे लाड भी आपसे ही उठवाऊंगी। और हाँ, कल रात 8 बजे डिनर है मेरी तरफ से। जी नहीं, मेरी तरफ से, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है। आमिर, आपको याद है ना बिलाल भाई? उन्होंने अपनी बेटी के लिए आयरा का रिश्ता मांगा है। कल शाम 5 बजे आ रहे हैं आयरा को देखने के लिए। आयरा, तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाना। वो लड़का मलेशिया में जॉब करता है? हाँ हाँ, वही जॉब करता है, मैनेजर की पोस्ट पर है। बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह। हाँ, नो डाउट, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, इतने सालों से जानते हैं उन लोगों को। बस मैडम मान जाए जरा, कोशिश तो पूरी है। मैं तुम्हें टीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, अभी इसी वक्त फौरन मेरे घर पे रिश्ता लेकर आओ तुम। आयरा, तुम रो रही हो? मैं हूँ मेरा गैर मेरे किस काम के। एक सेकंड। या दिस इज नॉट माय हेडेक। ओके, टेक केयर, बाय, टेक केयर। कासिम भाई, प्लीज एक कप कॉफी कर दें। हेलो डॉट्स, व्हाट हैपेंड? आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके कूल। इंसान पूछ लेता है कि क्यों खुश हो। मैं कभी पूछ लूंगा यार। रश्माला, गुड न्यूज़।
जाफर से मैंने तुम्हारी और रियान के रिश्ते की बात कर ली है। And I'm not surprised. आखिर हमारी बेटी है, जाफर तो फौरन ही मान गया। बस रियान से बात कर कर एक दो दिन में बता देगा। Okay. और कोई ख्वाहिश? जीती रहो। Okay, so I've had a very long day. मैं जाता हूँ। I've quickly go change और gossip खाने की टेबल पे। Done. Over dinner. जी congratulate करो। Congratulate करूँ या condolence करूँ? Confused हूँ। That's not funny. अच्छा कम है। कम sit with me. कम कम। आओ। Sit. जल्दी ना। एक बात बताओ मुझे। तुम्हें उसमें क्या नजर आता है? स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल और कामचोर भी है। अगर ऐसे होता तो डैड कभी भी राजी नहीं होते। नो डैड। आई नो व्हाट यू आर गोना से कि डैड बहुत बिजनेस माइंडेड है, ये वो, बट दिस इज अ बिग डिसीजन और डैड ने मेरी पसंद को कंसीडर किया है, व्हिच इज अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स इट इज। एनीवे कांग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अब मैं और रयान के इंसल्ट नहीं सुनना चाहती। जस्ट व्हाट आई डू। खैर उन लोगों को तो वैसे भी आदत है घर दामाद रखने की, तुम्हें भी पाली ले। आई जस्ट थिंकिंग के तुम दोनों को हम भी पाल सकते हैं। गुड लक। मैम आज काफी अरसे बाद आपने योगा की क्लास ली है, बहुत स्लिम लग रही हैं आप। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए योगा बहुत जरूरी होता है। अच्छा ये लो और नाश्ता लगवा, मैं बस चेंज करके आ रही हूँ। यस मैम। गुड मॉर्निंग गाइस। बिग डे हा? यस इंडीड। आई हेट टू एडमिट मुझे सरप्राइज एक्ट करना था। Your dad, he told me. Congratulations. On your first day in the office. Thank you so much, uncle. Battle. I know your father is very hard on you. इसलिए अगर इस दफ्तर में तुम्हें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, you know where to find me. You come straight to me. Thank you so much, uncle. लेकिन आप पहले डरा रहे हैं। ठीक हो जाता है, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। बेटा ये मुश्तबा साहब हैं, हमारे एचआर मैनेजर। ये आपको ले जाएंगे दफ्तर में, सबसे मिलवाएंगे एंड एवेंचुअली टेक यू टू योर डेस्क। परफेक्ट। ओके सो मच। यू बेट। जैद से भी मिल लेना, मिलते रहना, बल्कि यू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ओके आई विल मेक श्योर दैट। वाओ चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हामी तो भर दी है इसने। जाफर क्या इरादा? आई मीन रियान से बात की? डोंट वरी, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। ऑफिस तक तो आ गया, यहाँ का एटमोसफेयर देखेगा, खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ शायद जैद से ही सीख जाए। No, I'm sure he's gonna do good, but inshallah it will be fine. Yaar, speaking of which, दो दिन से मेरे पास पड़ी हुई है ना, इसको देखो। मैंने मेरे दो बार कॉल आई है, मैंने देख लिया। ताहिरा, जी मैम। मैंने नाश्ता अकेले करना है क्या?
जाओ डैड को बुला के लाओ। मैम वो और रियान साहब तो सुबह सुबह नाश्ता करके ऑफिस चले गए। जाओ वीडियो बनाओ जाके वहां से। गुड मॉर्निंग डैड, आज जिंदगी में पहली बार हुआ है कि आप मेरे साथ नाश्ता किए बगैर चले गए। अब ये मत कहिएगा कि आप लेट हो गए थे या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ब्ला ब्ला ब्ला। कल से आप नाश्ता ना अपने बेटे रयान के साथ ही कीजिएगा। बाय। तोला के वीडियो। तुम क्या देख रही हो खड़ी, उठाओ सारा नाश्ता, नहीं करना मुझे। जी जी, मैंने आपको एक रिवाइज प्रपोजल भेजा, आप प्लीज चेक करें। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाय जैद, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे आना वो? आई जस्ट जॉइन द ऑफिस। नो, गुड लक। बाय द वे, ये जो तुम कॉल पे बात कर रहे थे, इसमें हमारा प्रॉफिट कितना है? कितना चाहिए तुम्हें? I would say 80-70, minimum 60। हाँ, लेकिन मेरी बहन तो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, don't you think so? I didn't get it. You will never. Please have a seat. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मेरी बात बहुत जरूरी है। रखे इस रिमोट को। बोलो। आयरा ने हमें जलील कराने की ठान ली है, अगर किसी से नहीं मिलना तो वो हमें बता सकती है, बोल सकती है। मेहमान आते हैं, पूछ कर चले जाते हैं, सारे सवालात का जवाब बात मुझे देने पड़ते हैं। आखिर क्यों? वो बोलती क्यों नहीं है, बताना क्यों नहीं चाहती? उसने हामी भी तो नहीं भरी थी, और उसकी खामोशी का मतलब हमें समझ लेना चाहिए था। क्यों समझ लेना चाहिए? हाँ, खामोशी का मतलब हाँ और ना दोनों होते हैं आमिर। एक्चुअली वो शादी करना ही नहीं चाहती, हम पर मुसल्लत रहना चाहती है। एक मिनट। क्या कहा तुमने? मुसल्लत। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज मैंने सुना है, और ख्याल रहे आइंदा ना सुने। क्यों ना सुने? हजार बार बोलूंगी, मुसल्लत है और मुसल्लत रहेगी। सिर्फ भय नजर आती है, बीवी की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। तो कौन सी कमी छोड़ी है मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में? बीवी को खिलाना पिलाना जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको बहन के अलावा कुछ नजर आए तो तब ना, क्योंकि आपको बीवी नहीं इस घर के लिए नौकरानी चाहिए थी, बहन के लिए ऐसा केयर टेकर। अगर यही तुम्हारी सोच है तो मैं अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और रही बात बहैसियत शौहर के, अगर कहीं भी तुम्हें यह लगता है कि आयरा की जिम्मेदारी उठवाने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, तो खुदा के वास्ते आइंदा उसकी जिम्मेदारी मत उठाना, और ना ही तुम्हें उससे बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत है। मैं अकेला ही काफी हूं जिंदगी भर उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। और आज जो तुमने अल्फाज कहे हैं उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, अभी भी सिर्फ बहन के बारे में सोच रहे हैं ना, बीवी का जरा ख्याल नहीं। आपको क्या पता मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए जिंदगी से? कभी आपने कहा है कि बाहर चलो, मेरा भी दिल चाहता है हम दोनों बाहर जाएं, घूमें अकेले, लेकिन नहीं, आप कभी नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि आयरा घर पे अकेली होगी, आयरा का ख्याल होता है, आयरा के एग्जाम्स चल रहे हैं,
आयरा बीमार पड़ सकती है। आयरा 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 सिर्फ आयरा आयरा हम पे मुसल्लत है और मैं इस नाम से तंग आ चुकी हूँ। जी मैम आपने बुलाया। मेरे रूम में जाओ, जाकर स्प्रे करो या कैंडल्स जलाओ। इतनी घबराहट हो रही है रूम में और ये खालदा कहाँ है आजकल? जाओ। आई एम हंग्री भाई, आज तो बहुत भूख लग रही है। खाना भी बड़ा जबरदस्त बना नीचे। कॉम्पेंसेट कर रहे हैं ना। भूख नहीं लगी? मुझे भूख नहीं है। यू हैड लंच? उमेर के साथ लंच कर लिया था, तभी मेरा मूड काफी बेहतर है और आपसे उतनी नाराज नहीं हूं जितनी मैं सुबह थी। ओके, उमेर के साथ लंच किया था। ये उमेर की डिवोर्स को 2 साल से ज्यादा कर्सा हो गया ना। आई थिंक ही वांट्स टू रीसेटल। यू लाइक हिम? हाँ अच्छा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने भी अच्छा लगता है। अगर तुमको तो तुम्हारी शादी की बात करूं उसे? कर ले डैड, मुझे बस अब सेटल डाउन होना है। उसके नाम 2 बच्चे भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड। डैड आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। बहुत अंदर से दिल दुखा हुआ है मेरा। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली, यहाँ तक के आपको और रेहान को भी ये लगता है कि मेरी फेल्ड मैरिज के पीछे मैं अकेले खुद जिम्मेदार हूँ। किंदार जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, उसे 4 दीवारी के अंदर मियाँ बीवी ही जानते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी शादी चलाने की, यहां तक कि बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैंने इग्नोर भी किया कि नहीं चला पाई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि सारी बातों की मैं अकेले खुद गवाह हूं। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया था डैड, और आगे भी हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को मैं तैयार हूं। आई नो माय बेटा, आई नो। चला खाना खाएं। हां लेट्स ईट। There's some good food. Ajo. Come. Hello. Hello, Zed. जैद तुम फौरन मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ प्लीज। आयरा मत तंग करो ना यार, मजाक कर रही हो ना। कहा करो तंग यार, पहले इतना थका। अरे यार नहीं कर रही मैं तुम्हें टीज, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना अभी इसी वक्त फौरन मेरे घर पे रिश्ता लेकर आओ तुम। आयरा तुम रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? तुमने कहा था ना, कहा था तुमने कि मैं जब भी कहूंगी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे। मैं कह रही हूँ अभी इसी वक्त मेरे घर रिश्ता लेकर आओ प्लीज। मैं
जिंदगी में मुसल्लत नहीं होना चाहती हूँ। मेरी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, नाउ लिसन टू मी, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, हम कुछ ना कुछ सॉर्ट कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने घर पे भाई से, भाभी से मेरा जिक्र करो, मेरे बारे में बताओ उन्हें, और तब तक मैं बाबा से बात करता हूँ। ओके, प्लीज, इतनी टेंशन में तो हम कुछ ना कुछ सॉर्ट कर लेंगे यार, आई प्रॉमिस। चलो, वील सी हाउ इट गोज। ओके, थैंक्स फॉर द हेड्स अप, बाय। ज़ाद, ऑल गुड, सही है? यार क्या करें, बिजनेस एज यूजुअल। यू टेल मी। एक्चुअली मैं आप ही के पास आ रहा था। करियर तो इतना ब्लश कर रहे हो। आई नीड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी हर बात ही इंपॉर्टेंट होती है ज़ैद, कब नहीं हुई बताओ। ओके, आई एम ऑल इयर्स। आई लाइक समवन एंड वेल, आई बिलीव आई एम इन लव। व्हाट लव? यू आर इन लव, तुम और मोहब्बत में। इसका मतलब जानते हो? रोमांस, लव इक्वल्स रोमांस, तुम और रोमांस। आई मीन यू आर माय स्टार चाइल्ड, नो डाउट, excellent in everything else, but tumhar mohabbat, are you sure it's not infatuation? Of course I'm sure, isliye aapse baat kar raha hu. Well, I don't know, mubarak ho, pehli baar tum usse aisi baat kar rahe ho. I don't even know how to react, but few questions. Maa baap kya karte hain? I know baba, I know. I mean, a business hai wagaira wagaira wagaira. Her name is Ira. Nice name. Do you even know what it means? I will tell you later. That is not important. ठीक है। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो अपने भाई के साथ रहती है और वो इसके भाई रहमान ग्रुप में। रहमान ग्रुप? वेट, शफीक रहमान वाला? आई मीन यू वुडंट नो, मेरा दोस्त है यार, मुझे बता। ओके, वहाँ पे ऑडिटर हैं। Auditor? Are you sure? I mean, beta auditor? So what? Well, this is not important. It is important. Wait, Zahid. एक तो रहमान ग्रुप को इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, पहली चीज। It's a very small company और auditor काफी, no offense, but मामूली जॉब है। बाबा, तुम्हारी कंपनी में 20 auditors हैं। So what? I'm in love with that girl. This is, I guess, more important. No, it's not. Hasab nasab, maashre mein maqam, status zyada important hai. Bhool gaye. To maine jab wo kissa sunaya tha ki meri apni shaadi kaise hui thi aur how money can open the doors for you. It matters. Tumhe pata hai hamare bade kya kehte hain? पालते हुए भी नस्ल देखी जाती है, ये तो फिर इंसान है जिनकी तुम बात। आपकी इस बात ने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिए, लेकिन रियलिटी चेक शायद, रियलिटी चेक। बाबा, वी आर इन लव एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। आपको बता रहा हूँ, आई वॉन्ट कि आप उनके घर जाएं और बात पक्की करें। पॉसिबल? द आंसर इज नो।
कुछ भी नहीं पाया, ये तू कहां लाया, उम्रे हुए साया, ये मौसम तो ऐसे न थे, हम गुजरे गम गुजरे जिस राह से उस राह से तेरी वफा कम गुजरे जिस राह से उस राह से।